वो बंदा है कौन जो अंदर डाकू बन के आता है? वो डाकू है। अच्छा, वो अंदर रख बिठाया हुआ अभी? Cannot be revealed. Oh shit. तो आप बताओ आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी डिश बिकती है? हम वो नहीं मंगवाएंगे। Boys and girls, क्या हाल चाल है? This is your boy Musa Khanna and welcome back yet to another food series vlog. आज का जो vlog है ना वो बहुत ही मजे का होने वाला है. उसमें couple of reasons है. पहली बात तो ये जिस जगह पे हम जा रहे हैं कवाली, ये literally इस साल के अंदर ही खुली है और उसने डेलस के शहर को by storm ले लिया. Not only it's a great restaurant जहाँ पे काफी ज्यादा high class लोग आते हैं, it's also a very good hookah bar. यहाँ का एक hookah है जो मैंने आपको end में दिखाने का है, बड़ा special नाम है डाकू hookah. और वो पूरा ना उसमें एक proper show करते हैं जहाँ पे ना बंदा एक डाकू अंदर से आता है, तो उसको तो हम बिल्कुल एंड में दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लेकिन अभी हम जाके काफी फन करेंगे. जगह आपको मैं वो सारी दिखाऊंगा, चेक कराऊंगा अंदर से कैसी बनी हुई एम्बियंस. जो उनका ओनर है वो मेरा भी बड़ी है, अपने तैयब भाई हैं. ये कवालीज भी यहाँ पे होस्ट करते हैं जिसका नाम कवाली नहीं है. म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी होती है, एक्टर्स वगैरह भी अपने देसी आते हैं यहाँ पे. अदर देन दैट, अगर आपको मैं थोड़ा कुकड़ लुक लग रही है अगर मेरी आपको, तो यार वो बस मैं बाल कटवाने गया था, वो थोड़े से ज्यादा कट गए थे, तो अब मेरे बाल छोटे से और छोटे हो गए मजीद. बाय द वे मेरे साथ इस वक्त फिजा भी है, तो ऑब्वियसली फिजा हमारी ओजी को भी साथ फूड रिव्यू कराएंगे. लास्ट टाइम वली भाई ने टेक ओवर कर लिया था फूड सीरीज एपिसोड 2 पे जब हम शीश गए थे. क्या? मेरे से खाने साइड भी होता जा रहा है. पिज्जा के हिस्से का बोली भाई खा के आराम से निकल गए. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं, तो एज सून एज वी गेट देयर वी विल सी यू. हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू कैन सी हम लोग कवाली पे पहुंच गए हैं. वैसे इनकी थोड़ी सी ना जो इंस्पिरेशन है स्क्विड गेम से लगती है, यू नो वो जो उन्होंने लेटर्स वगैरह यूज किए हुए हैं. बाय द वे यहां पे पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी हुई है? इधर यहां पे पुलिस खुद एंजॉय करने आई कवाली या फिर छापा पड़ गया? डाकू को पकड़ने आ गई. हां, डाकू अंदर जो पिलाते हैं ना ये डाकू हुक्का, वो उसको पकड़ने आ गए पुलिस. ये तुमने अच्छा पॉइंट मारा बेगो. हे, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. थैंक यू. कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो आउटसाइड. यू गाइस बोथ स्पीक हिंदी? यस, वी डू स्पीक हिंदी. ओके, ठीक है, फिर तो सही है. फिर सही है, हिंदी बोलते हो ना? सही बोलनी आती है, नॉर्मल है? मुझे तो सही आती है, इसका भी नॉर्मल है. सही तो बोल रहे हो बिल्कुल. ये जगह कब खुली थी कवाली जो है? वी ओपन ऑन इन मार्च. अच्छा, मार्च से की थी स्टार्ट, लेकिन यार इतनी जल्दी अभी मार्च में की है फर्स्ट में, तो ये इन्होंने कैसे मतलब इतना पिकअप किया? या ऑफ कोर्स, हमने कवाली नाइट होस्ट किया, एक्चुअल कवाली नाइट. वी हैड अरसलान रबानी सिंगिंग. हाँ, अरसलान रबानी की मैंने की थी कवाली में, गया था आई थिंक एक कैंपस में हुई थी किसी पे, यूटीए में. यूटीए नहीं, यूटीडी में. हाँ, it was a hit show, there were people in on the floor and the chairs, everything, and then it people on the floor kya alive? Yeah, we had the floor. People on the floor. Actual kawali experience. Yeah, right. Acha. Aur kaun kaun se yahan pe events hoye aap log ke? We have Pakistani team come in. We have Pakistani team aayi thi yahan pe? Yes. Acha. Mujhe kyun nahi pata chala Pakistani team jab yahan pe aayi thi. Yaar actually main jab kawali pehli dafa aap logon ne ki thi na, maine pucha bhi tha us time pe na ki yaar tickets available hai, lekin sara sold out ho gaya tha. Kawali shuru hone ke ek hafte pehle sara sold out tha. अच्छा, तो उसके बाद दोबारा नहीं हुई कभी? अब वी आर गोना होस्ट इट ऑन 21st, दिस 21st को हो रही है. अच्छा, ये बाय द वे दिस मंथ 21st कवाली के अंदर कवाली हो रही है, स्पेशल नाइट ना, तो जो जो भी देख रहे हैं यहां पे जरूर पहुंचे. टिकट्स कहां से लें वो लोग? टिकट्स Instagram पे विल पोस्ट इट व्हेनेवर इट्स अवेलेबल. अच्छा, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल. तो मैं Instagram इनका नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहां से जाके टिकट्स पकड़नी है. ठीक है, तो अब लोग कब से काम कर रहे हो? फ्रॉम द स्टार्ट? या वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग. वेयर यू गाइस फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नेपाल. शीश. ओके, from Nepal as well. अच्छा, ये सारे आप लोग नेपाल से ही हो? आई थिंक मोस्टली हार्ड वर्किंग पीपल. ऑफ कोर्स, हार्ड वर्किंग. ओह, ऑफ कोर्स. आई एम फ्रॉम नेपाल टू. यस. अच्छा, तो हम बाथरूम से शुरू करें? तो मेंस वाले आप जाओ. नहीं, लेकिन आई रियली लाइक द डेकोर. आप लोगों ने हमेशा डिम लाइट की होती है और एक बड़ा सा अच्छा सा बनाया होता है यहाँ पे. हर जगह मिरर्स लगे हुए हैं, लोग आके पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लेते हैं. अच्छा, मतलब आपने वो बोर्ड गेम्स वगैरह भी रखी है जो लोग यहाँ पे आके खेल सकते हैं प्रॉपर. एवरीथिंग यू सेल इज नॉन अल्कोहलिक? Yes, everything okay. is halal and non-alcoholic. Halal, so completely huh. halal. So what's the inspiration behind that dhol over there? Wo India Pakistan wale match mein baja tha. Oh, nice. I don't think you were here. India aur Pakistan ka jab match hua tha aapas mein, to wapas rakh diya hoga, baja ke haar gaye the hum. India bhi bajaya na fir. Ha. India bhi jeeta hoga, aap logon ne khub bajaya hoga the. Ha, bahut bajaya. बस ठीक है, देख रहा हूँ, कैंसिल कर दो. दैट्स प्रीटी नाइस. मतलब शी इज द ढोल वाली. ओह, यू आर द वन? या, पर्सनली
behind the doors. Do you actually like gale pe dal ke? No, like this, whatever. Oh, okay, yeah, nice. She's trying to stay awake. That's another area jo ke... Yeah, you can get the lighting on. Achha. And then you can have nice pictures. This is a good background for pictures. ये प्रॉपर वेस वगैरह रख के ना तो ये देखो फिजा wedding था somewhere. The whole party came over here. Pura restaurant wedding. Also, you can book this for a wedding too? Yeah. I don't think a wedding, but they were after party. We have had graduation parties. We have had 80th birthday, first birthday. मतलब हर तरह की birthday कर सकते हैं. Yes, we did. Say. And you guys also do buffet or just was a one-time thing? We do buffet on special occasions. Ramadan, उसके बाद Eid, and then events में usually buffet होता है. It differs. ये वो तो गुजर गया दोनों. और कोई day आ रहा है भी? पहुंच जाऊंगा मैं उस दिन. Independence पे नहीं किया. Oh हाँ, 14 August पे आएगा. और फिर 15 August अगले ही दिन होता है. आप नेपाल का क्या होता है? नेपाल का इंडिपेंडेंस डे नहीं है. क्यों? फ्री नहीं हुए अभी तक? अंडर एनी कंट्री. वी वांट. डैम. वी डिडंट सेपरेट फ्रॉम इंडिया. लकी यू गाइस. हां. I guess I need to take over now. Nepal. अच्छा तो I really like this decor आप लोगों का है ना. ऊपर lights लगी हुई हैं, dim. और customers जब आते हैं यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा चीज़ उनको पसंद आती है आप लोगों की? Food के अलावा मतलब. Lighting and ambience. Lightning. Lighting. ये जो है ना वो वगैरह. And then our hookers of course. Oh yeah. I know, definitely. वो तो अभी तक मैंने डाकू ट्राई नहीं किया, आज वो करेंगे ना. Oh, yes, हाँ. Of course. वो बंदा है कौन जो अंदर डाकू बन के आता है? वो डाकू है. अच्छा, वो अंदर रख बिठाया है अभी? Oh, shit. यहाँ पे जो भी आता ना आते पिक्चर्स लेता है कि मैं कवाली आया हूँ. ये लोग कैद करने के लिए रखे हैं पिंजरे आपने? कुछ भी कर लो. अच्छा, मतलब कोई डाकू से बदतमीजी करे उसको यहाँ पे बांध देते हो आप अंदर? हाँ, उसके That's a nice idea, yeah. अब मैं किचन में जाता लेकिन मुझे लगता है किचन में डाकू बैठा हुआ, मतलब ऑफ लिमिट हो गया एरिया थोड़ा सा. तो जरा आपका फिर हम बैठते हैं किसी टेबल पे, खाना वगैरह ट्राई करते हैं और फिर यू नो एंड में डाकू को भी बुलाएंगे हम. तो आप बताओ आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी डिश बिकती है? हम वो नहीं मंगवाएंगे. So starting from our appetizers, हमारा hummus और spicy hummus. Nice, spicy मैं नहीं खाता लेकिन normal hummus कर लेते हैं. आप लोगों के fries भी बहुत अच्छे होते हैं. हाँ. Can we get the masala fries appetizer में थोड़ा? Main menu में हम क्या कर सकते हैं जो चीज मतलब लोग की fan favorite कह लें होगी जो? Our signature dish is our kawali smash burger. Okay, let's add one kawali. Our chef special filet mignon beef kebab. Let's do that. Lamb chops एक add कर लें. और ये आपकी दम बिरयानी भी है, कौन सा सीन है? मटका दम बिरयानी is chicken. चले let's do, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक वो भी हो जाए, देसी डिश भी हो जाए ना बीच में. एक मिंट मार्गरिटा कर लेते हैं. और आपकी कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं? We have classic mojito which is the lemon mint and then strawberry, blueberry, orange. Let's do strawberry. Strawberry नहीं मैंने अभी तक पिया कहीं पे. हुक्का जो है फिर आज आपका वो स्पेशल वाले पियेंगे हम, एक वो डाकू जो आता है अंदर से. ठीक है, कहीं लूटने तो नहीं गया भाई? अंदर ही है डाकू? अंदर ही है. अच्छा, टाइम नहीं हुआ अभी. रात के टाइम निकलते हो? You can have your own flavors, any flavors in डाकू. अच्छा 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 अच्छा. डाकू has head refill free. यार जो आपका बेस्ट फ्लेवर है ना कॉम्बिनेशन, जो सबसे ज्यादा फैन फेवरेट है वो कर लेते हैं. एक तो शोखा है, एक चुलबुली, एक अनारकली है. ये अनारकली से पूछ के ऐसे रेसिपी? अच्छा, उसके बाद बादशाह ने उसको दीवार पर डाल दिया. लेट्स डू शोखा. शोखा को हम डाकू में मिक्स कर देंगे. ठीक है, शोखा डाकू. कम ऑन गाइस. मिंट मार्गरिटा. Is it me? The glass got bigger from last time. Oh, it's a new glass. For the new drink. No. See, the thing is, this time we're making a video, so you got it the lot bigger glass. I know you. So good. Better than the mango ones we used. Really? Yeah. Let me see. This I'll be the judge of that. Yep. तुम्हारे ओए होए के स्किल्स अभी अच्छे नहीं हैं रुको जरा. This is actually very like good, solid yeah. Nine. Solid 9 out of 10. Like the Shazan ki botal nahi hoti thi Pakistan mein ki itni tasty hoti thi banda foreign pee jaye. Ye to beech mein strawberry phas jati hai. I can finish this in one sip. This is actually very good. I wish we could see the recipe. Le sakte hain, baat karte hain na piche. Daku ko hum pakad lenge. That's the best thing ever. 10. Keep that 10. Is garmi ki heat mein agar aapne mint margarita nahi mangwaya to kya mangwaya? I agree. This is 10. यार ना जाते भाई नीचे उतरते हुए पता चलता है उस गर्मी में ना. अभी तक मैंने जितने भी फूड रिव्यूज किए मैंने किसी को 10 नहीं दिया. चलो ठीक है, मैं खत्म करता हूँ. ले लो. अच्छा चलो, मैं स्ट्रॉबेरी बुरी नहीं, स्ट्रॉबेरी एक्चुअली मुझे बड़ी मजे की लगी है. अच्छा अच्छा यार, बहुत मजे की थी ये दोनों. That one, yeah. That's like 10 out of 10. I gave it like 9. This one is like better than all the mango mojitos I've been ever had. Yeah. पानी पूरी हमने मंगवाया था? नहीं ऐसे. Oh, it's in the house. Oh my God. अच्छे पानी पूरी ना पसंद है ऐसे अब हमारी कुटाई भी कर सकते हैं basically. Okay. हमारे पास आ गया है पानी पूरी. ये टेबल टेनिस के रैकेट पे, as you can see. What is that?
अपने एक पीछे घर वाले बैठे उनको भी बुला लेते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया अभी सही। कितने अच्छे हैं ये। मैंने दो चीजें मंगवाई, दो और चीजें लाके दे दी। एज यू कैन सी दिस इज द लोडेड फ्राइज जो हमारे पास सब आ गए हैं। एपेटाइजर में एपेटाइजर, ये पूरे 10 लोगों का खाना है। आई रियली लाइक द शॉट ग्लासेस, दे कम आउट राइट। या तो ये शॉट ग्लासेस में तुम्हें दिए हुए गोल गप्पे आलू मिक्सचर जो है साथ दिया हुआ है, और साथ आपको मीठी सॉस भी देते हैं। ऑल्सो दीज आर द फ्राइज आई हैड बिफोर, आई ऑलवेज लव देम। मैं जब भी आता हूँ वली भाई किसी के साथ भी, तो इनके वाले फ्राइज हम जरूर ट्राई करते हैं। अच्छा, और लास्ट चीज है इनकी हमस। सो एज यू कैन सी ये हमस की डेकोरेशन है, मिक्की माउस की नाक लगाई हुई ऊपर, और साथ हमारे पास पीटा ब्रेड आ गया। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है, मुझे लगा ये होंगे थोड़े से अपने, जो मैं स्पीचलेस हो गया थोड़ा सा। इनकी ये बड़ी मजे की है मिक्सिंग जो है अंदर, आलू समथिंग। आई वुड गिव द गोल गप्पा 8.5 इजीली। नेक्स्ट हम ट्राई करने लगे पीटा ब्रेड विद हमस। विद हमस, पीटा ब्रेड शुड बी हॉटर ज्यादा। हमस के साथ लगाते हैं। It's okay. I like the hummus. मुझे पता नहीं क्यों कोकोनट का टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा हमस पे ना। Like a 7.5. Pita bread I would give like 6 maybe. Pita bread या ठंडी है, but the hummus I would give 8. तो अब आगे हमारे पास all time OG and simple. And these are like the crispiest fries. Crispiest fries ever. चलो जी. A 9.5. Fries इनके top class हैं यार. I love these fries. हमें भूख नहीं भी लगी होती ना, हम तब भी fries मंगवाते हैं इसके। Appetizer में आती कोई चीज मंगवानी है ना, इनके fries तो आपने जरूर order करने हैं। 9. Easily. I can't believe I'm gonna say this, but ये मेरे McDonald's के fries से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये जो मेरी नज़र पड़ी ना उस पर, एज यू कैन सी इसके ऊपर जो ना हलोपीनियो है, और साथ में चिकन भी है साइड पे। तो क्या उठाएंगे, तो मैं चिकन उठाऊँगा फ्राइज के साथ। ओए होए होए यार, गिरे ना बाहर। ये देखो ज़रा, ये तो इजीली 9.5 है। बहुत बहुत टेस्टी है। हमने थोड़ा गलती की, हम थोड़ा लेट खा रहे हैं, अंदर से आया था गर्मा गर्म, बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मुझे मेयो का टेस्ट आ रहा है, चिकन के साथ लगा के खाओ। चिकन इज गुड। क्या दोगे सर? मैं तो इजीली 9.5। अगर इतना वेट का कॉन्शियस ना होते ना, तो हम हमेशा ये मंगवाएं। आई वुड से उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कॉन्शियस हैं, लेकिन अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस नहीं है एंड यू वांट अ प्रॉपर एक्सपीरियंस, देन नॉर्मल फ्राइज से भी अच्छे है, लोडेड फ्राइज मंगवाओ। बाकी एवरीथिंग इज रियली गुड सो फार। यहाँ पे अब दूसरी बंदियों ने आके शोर मचा दिया। There's a birthday party. We do not care. Oh my God. Special filet mignon beef kebab. Oh my, ये दोनों माइक मैंने रख लिए। That's the prettiest looking lamb chops I've ever seen. Boys and girls, इतने प्यारे lamb chops कभी देखे हैं आपने? उनको socks भी पहनाए हुए इन्होंने। These are like 5 lamb chops, साथ rice है आपके, और साथ दो sauces हैं onions के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे शेफ स्पेशल फिले मिनियन, और नीचे कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने एक ब्रेड भी डाली हुई है। थोड़ा ओल्ड स्टाइल में खाएंगे इसे, ठीक है? और जो भी खाना होता है उसको सॉस के साथ पहले नहीं ट्राई करना चाहिए, पहले ऐसे ही। ले गए गेम, ये ट्राई करो जरा। वेरी वेरी गुड। ना इसमें कोई टेस्ट ओवर पावरिंग हो रहा है लैम का, ना किसी चीज़ का। 8.9 कहने लगा था, 9 बेस्ट लैम चॉप्स तो मैंने खाए ना, वो मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, लेकिन इनका अपना यूनिक टेस्ट है। आई थिंक तंदूरी टेस्ट डाला हुआ है थोड़ा सा, टू ओवर पावरिंग नहीं है। जी कोई सॉस है उसके साथ, गार्लिक सॉस है, गार्लिक सॉस के साथ खाना चाहिए था, लगा गया। अच्छा, लेट मी ट्राई विद द राइस, थोड़ा सा गार्लिक सॉस में सिर्फ राइस ट्राई करना है। वेरी वेरी गुड, बहुत मज़े के राइस हैं। अच्छा जी, आई वांट ट्राई द फिले मिनियन। अब मसला ये है कि ठंडा हो गया थोड़ा सा, फिले मिनियन की बोटी एज यू कैन सी। ओए होए होए होए, थोड़ा सा हम गार्लिक सॉस के साथ लगाएंगे। फिले मिनियन थोड़ा सा उसमें टेस्ट मुझे बोला नहीं फील हुआ जो मैं चाह रहा था, 7.4 मे बी। फिले मिनियन का ना वो टेस्ट वो आया नहीं, मे बी इसलिए भी क्योंकि ठंडा हो गया। आफ्टर टेस्ट वो वाला नहीं आ रहा जो लैम्प चॉप में आ रहा है, ऑल्दो बोथ आर वेरी गुड। चाय फिले मिनियन विद बोथ सॉसेस, एक्चुअली सॉसेज इसलिए दी हुई, एक सॉस के साथ लगाओ, दूसरी सॉस के साथ लगाओ, फिर थोड़े चावल लेके, देन द होल ने वाला पेट बन जाता है, ठीक है? थैंक यू। Good, how are you? Are you the chef? Yes, sir. Okay, so we have actually the chef with us, you know, the final boss of all the... Can you hold this real quick? Our favorite thing was the lamb chops and the loaded fries. Yes. So that's you, totally your inspiration, your dishes? We create everything here. Where are you from? Originally, I'm from Syria.
Syria? Yeah, but I grew up in Saudi Arabia and Dubai and also. And where did you learn the desi dishes like biryani and like... In Dubai. In Dubai? Yes, in Dubai. So you from Dubai, you came over here? Yes. So in the lamb chops, what kind of like flavoring is it? The red is like a food color. Food color, okay. And then paprika. Okay. And then our spices. What's your personal favorite dish that you like to make or like you think you make the best? My specialty, I like it, the loaded fries. The loaded fries? Yeah. Oh, wow, it's very crispy. Yeah. The sauce we created here, also the sauce. Yeah, okay, so it's your own sauce? Yes. Okay. Oh, wow. How was it? It's just a really, really good burger. I really like the onions in it, like the, you know, the... Caramelized onions. Caramelized onions. The secret is the sauce. Yeah, the you sauce see is the very sauce? Good. It's like creamy sauce. Yes. That's what I would say. Actually, so far, that's my best favorite item. Traditional biryani. So will I remember my mother? A lot of people, they told me when they eat here, they feel like at home. Oh, okay. My mother food. Oh, so that's how you open it. Wow. Yes. Nice. Wow. So all the sauce and the gravy is like down there. Wow. Yes. And that looks pretty good. No bone. So it's like boneless? Yes. So you can eat it like straight out? Yes. And easy to eat it. So I'm going to take a little bit of the chicken. Oh, wow, man. That's like a proper Lahori biryani. Our ghee we create here. Oh, your own ghee. Yeah, that's what I was saying. It has like a desi ghee touch in it. I haven't had a biryani this good in, at least in Dallas, no. But this is easily 9 out of 10. But the burger, burger's a 10 out of 10 burger. A lot of people, they come here for the smash burger. Yeah, the smash burger is really good. Thank you so much. What's your name? Thank you so much. Ahmad. Ahmad. Yes. Musa, nice to meet you. Nice to meet you. You'll see the vlog when it comes up. And yeah, man. Please. Great anytime work. Anytime you will come here, just let me know. I want to make like a... special dish for you. Okay. I come here a lot. So, you might get tired, right? Let me know, that's it. Okay, so every time I come here, I will tell her that, tell them Chef Musa Ahmad is here, the vlogger. Okie dokie. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. इससे नाइस डाकू मैंने आज तक नहीं देखा कभी इतना प्यार दे रहा था डाकू मुझे ये इट्स गोना बी लाइक कवाली श्रिंप दिस वन ओरिजिनल कवाली श्रिंप जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इज इट माय फेवरेट डिश वन Oh my God, brother, give me a hug. Wow. Let me feed it to my wife. I've never had a shrimp this good. I'm not gonna lie. This is like... Oh wow, it's sweet and sour. Sweet and sour, yeah, at the same time. And you feed the butter? Yeah, Created here, the butter I created here also. Oh yeah, the ghee. Yeah. Ghee so it's butter. The ghee and it's like a sweet and sour taste. Man, this is really good. Oh wow. Wow, this is also really good. This is like more Asian style, right? Yes. इन लोगों ने तो मुझे खिला के ना मोटा कर देना मैं यहाँ पे बड़ी डाइटिंग करके आया था Molten lava cake, as you can see. So vanilla ice cream on top of it. Wow. This looks really good. I ruined it. No. Where's the chocolate? Oh, आगे. Wow. The molten lava cake. Oh wow, the chocolate is actually not that sweet, it's very rich. Basically, the sari sweetness is vanilla. Yes. Chocolate rich hai kaafi, hai na? And
मजे किया. स्वीट नहीं है ज्यादा. सो फ्रेंच टोस्ट विद आइसक्रीम. लुक एट दैट. वाओ एंड इट्स अ रियली हॉट प्लेट एक्चुअली. सो आई ट्राई द लिटिल आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ इट. गेट द लिटिल ब्रेड. मैन यू गाइस श्योर नो हाउ टू फीड अ पर्सन. हाउ इज इट? Oh wow, this is actually better than the molten cake. So that's your specialty? Yes sir. And wow. I have another one. Oh no, I cannot eat another one. I know you. No, you have to try the another one. Another one is very famous. I'll let you know when you try it. Oh okay, okay. This one, man, wow, 10 out of 10. This is actually really good. I really like the pistachio on top of it. So like hot and cold chocolate, a little bit of pistachio. So it's also like having that little crispy bananas on the side. Wow. Give me 5 minutes, I'll give you the number. Man, I'm gonna die. No, just a little bit. Just a little bit, okay. Yeah. Just a little bit. I told him to bring something really small, but he brought the whole pot of sweet. Sweet, traditional from Egypt. All the way from Egypt. We got the Umm Ali, right? Umm Ali. Oh, wow. Oh, it's hot actually. Oh, yes. It's come from the oven. Umm Ali. Oh, I'll burn my mouth. Oh wow, wow, wow. This is completely different. I never had something like this. It's like the bread pudding is like burnt a little bit on purpose, right? Yes. Burnt taste on top of it. Heavy cream. Cream? And, yeah, heavy cream and cinnamon, walnut, our ghee. In everything you put that special ghee that you make. This is actually really, really hot. Garam hai dar dhyan se. Sevian lag rahi hain, haan. कवाली व्लॉग. और इतना ज्यादा इन लोगों ने यार खाना खिला दिया था, कसम से पूरी रात नहीं मैं सो पाया था, पेट इतना फूला हुआ था. लेकिन दैट्स द थिंग अबाउट देम, वो काफी एंथुजियास्टिक थे हर चीज ट्राई कराने में ना, ताकि लोग सारी चीजें देखें उनकी आइटम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत से लोग कह रहे थे कि यार आपकी ना ये वाली जो न्यू लुक है ना व्लॉग में, वो बहुत मूवी लाइक हो गई है, वो रॉ वाली फीलिंग नहीं आ रही. तो यार देखो, ओवर द टाइम ना इंसान को इवॉल्व करते रहना चाहिए. अभी ये मैं मूवी लाइक फुटेज में आ गया हूँ, उसके बाद हम चेंज करके थोड़ा रॉ वाली चीज में वापस चले जाएंगे. सो यू नो अप एंड डाउन होता रहता है. ये कैसे इशारे कर रहा है मजनू? क्या मतलब है इसका? जिस तरह वेदर बदलता है, उस तरह दुनिया की हर चीज जब बदलती रहती ना तो अच्छी लगती है. बाकी मैंने नीचे लिंक लगाया हुआ वीडियो की, जिन्होंने कोलैबोरेशन करनी आगे रेस्टोरेंट की या क्लोथिंग ब्रांड्स की भी, वो भी यू नो रीच आउट कर सकते हैं. मैं बल्कि चाहता हूँ कि मैं क्लोथिंग ब्रांड की भी एक सीरीज करूँ, जहाँ पे यू नो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाऊँ, उनके बेस्ट क्लोथ ट्राई करें, फिजा को भी साथ ले जाऊँ, यू नो, ताकि वो लड़कियों का भी एक पर्सपेक्टिव दिखा दे. फूड सीरीज तो चलती रहेगी, और सिर्फ हुक्का बार्स ही नहीं, मैं दूसरी जगह भी जाके कवर करता रहूंगा एज टाइम गोज बाय. आजकल जरा मसरूफियात बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और वो आपको भी पता चल जाएगा सून क्यों. ब्लॉग को एंड करते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक. एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह.